तो गाइज़ ये थी मेरी आखिरी वीडियो, और इसके बाद मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी। गुड मॉर्निंग गाइज़, वेलकम बैक टू माई सिंधु तरुण ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया। तो गाइज़, आज फाइनली मेरे चैलेंज का लास्ट डे है, तो आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ गाइज़ कि मैंने फाइनली अपना जो 1 मंथ का चैलेंज लिया था वो पूरा किया है। और जब मैंने फर्स्ट टाइम जिस दिन मैंने चैलेंज स्टार्ट किया था, तो मैंने कभी सोचा नहीं था, बिल्कुल भी मैंने ये सोचा नहीं था कि यार मैं 30 दिन तक कंटिन्यू ब्लॉगिंग करूँगी और अपना चैलेंज पूरा करूँगी। तो उस दिन मैं यही सोच रही थी, अभी तो मेरा पहला दिन है, वो दिन भी आएगा कभी जब मेरा लास्ट दिन होगा चैलेंज का। तो आज वो लास्ट दिन है चैलेंज का, तो मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ गाइस कि फाइनली मैंने अपना चैलेंज पूरा किया है। तो चैलेंज पूरा करते करते तो वही मेरी हालत बहुत बार ख़राब भी हुई है, अब मैंने पिछली वीडियो में बताया था, तो चलो वो तो क्या ही बताऊँ मैं, जैसे भी, पर मैंने पूरा अपना चैलेंज पूरा किया है। और अब चलती हूँ किचन में, क्योंकि किचन में मैंने कुछ इंडक्शन पे लगा रखा था, पहले उसको बंद करती हूँ। तो यहाँ पे लाइट पहले ही चली गई थी, चलो अच्छा हुआ इसमें मम्मी ने दलिया चढ़ा रखा था कुकर में, तो मैं सबके लिए यहाँ पे निकाल देती हूँ। सिम्बा भी आजकल घर में ही है। लो भाई आर्यन, आर्यन भी आ गया आज, क्योंकि आर्यन को छुट्टियां है 3-4 दिन की, तो इसलिए आर्यन आया। और मैं ढूंढ रही हूँ तरुण को, तरुण को दिख गई। आप कहाँ हैं? मैं कब से ढूंढ रही हूँ। है लो दलिया, ऊपर ही आता आ जाओ फिर। हाँ यहीं से आ जाओ, आ जाओ। थैंक यू। नमो पता क्या बोलता है ना, अगर दलिया की बात होती है ना कभी, चलिए दलिया की चोर बोलेगी मुझे जरा, कि भाई दलिया मरीज लोग खाते हैं। हाँ क्या फिर? बोलो वो खाता ही नहीं दलिया, कि दलिया मरीज खाते हैं। मरीज क्यों खाते है? मरीज क्यों खाते है? ताकि वो स्वस्थ हो जाए, हाँ तो फिर अगर स्वस्थ आदमी खाएगा तो वो स्वस्थ ही रहेगा ना। स्वस्थ कब होगा? स्वस्थ रहता हूँ ना। मिठा देखो जिन्हों कितना डाला हुआ है। यही प्रॉब्लम है, नॉर्मल तो है, नहीं गुड़ डाल सकते थे इसमें आप, हमें को गुड़ से टेस्ट ही नहीं आता है, गुड़ से अच्छा टेस्ट आता ये है। तो मम्मी ने बनाया है। इतना मीठा ऐसा लग रहा है चीनी खा रहा हूँ। तो गाइज अभी मैं आ गई हूँ अपना सारा घर का जो भी छोटा मोटा काम होता है सारा निपटा के, और कपड़े थे जो शिवा के कपड़े, और जो भी थोड़े बहुत काम होते हैं सुबह के, मैंने सारे निपटा के मैं आ गई हूँ अपने आंगन में, क्योंकि आज मुझे यहाँ पे थोड़ी सी धूप देखने को मिली है। आजकल ऐसा हो गया ना, हर दिन बारिश बारिश बारिश, तो धूप आजकल थोड़ी गायब हो गई है, तो सर्दी का भी टाइम आना स्टार्ट हो गया और ठंड सी भी होने लग गई है अब। तो मैं ये सोच के आई थी कि चलो धूप सेक लेते हैं, पर मुझे ना अभी
यहाँ पे जो हमारा टेम्परेरी किचन है वहाँ पे धुआं धुआं दिखाई दिया, तो मुझे ऐसा लगता है कि मम्मी वहाँ पे है शायद, और वो क्या कर रही है कि मुझे भी नहीं पता क्योंकि मैं वहाँ पे गई नहीं हूँ। तो धुआं है तो मम्मी भी पक्का ही होंगे क्योंकि उन्होंने ही आग जलाई होगी, तो देखते हैं वो कर क्या रहे हैं वहाँ पे। तो ये देखो जी, ये मम्मी इधर भून रहे हैं मक्की, और यहाँ देखो चूल्हे में हम मज़े से अपने आग जला के यहाँ पे बैठे हैं, और ये है हमारी मक्की साल की। देवी अच्छा, तो कहाँ से आए अपने आगे से? एब खत्म ये करे अच्छा, एब नहीं एक दान बोन भी तेरे ना जोर है लेन खाने। ओहो, तो मम्मी बोल रहे कि भालू भाई आज भी था, तो भालू ने इस बार हमारी मक्की सारी खत्म कर दी है, तो इस बार भालू ने तवाही मचाई है। तो थोड़े बहुत बच्चे कुच्चे हैं तो मम्मी ने इधर लाए हैं वो मक्की हम भुनने को, तो चलो जी हम थोड़ा बहुत तो खा लेते हैं, नहीं तो भालू ने ये भी नहीं छोड़नी उनका है ना। तो देखो जी टमाटर हमारे खराब भी हो गए अब तो, ये ना ये क्या है पेड़ ऐसे ही और थोड़े लगेंगे इसमें लगेंगे। इधर देखो जी हमने लगाई थी बीन, मम्मी ने इधर बीन लगाई है, और बीन की सब्जी ना बहुत टेस्टी होती है, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है बीन की सब्जी, और आज हम शाम को बीन की सब्जी बनाएंगे। ये देखो इतनी सी भी काफ़ी होती है, अगर इसमें अच्छे से लग जाए ना तो आप इसमें बहुत सारी सब्जियां खा सकते हो। घर के पास थोड़ा बहुत सब्जी का लगाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तरुण यहाँ पे टहल रहे हैं, ये कौन सा वक्त है, दिन के वक्त भी टहला जाता है? सुनते नहीं है भाई, अपने ही धुन में है व्यस्त। लो मक्की खानी है, आप ले लो ले लो। थैंक यू, शुक्रिया, कुछ आता नहीं आपको? तो गाइस अभी शाम के बज गए हैं 4:30, और मैंने ना शाम की तैयारी अभी स्टार्ट कर ली है, और मैंने जैसे बताया था ना आपको थोड़ी देर पहले, मैं बता रही थी कि मैं बना रही हूँ आज बीन की सब्जी। ये देखो मैंने कट कर दी है, इसमें थोड़ी सी बची है, और शिवा ने ना पूरे किचन में सारा वो सारी सब्जी फैला दी थी, बड़ी मुश्किल से मैंने अभी इकट्ठे की है, और अभी वो बाहर गया खेलने, उससे पहले सारी सब्जी कट कर देती हूँ, नहीं तो वो सारा पूरे किचन में फैला देता है। नीचे बैठ के आप उसके पास ना सब्जी कट बिल्कुल नहीं कर सकते हो। तो इसमें हम आलू भी डालेंगे, 3-4 मम्मी ने आलू दिए हैं, तो बीन की सब्जी आज मैं बना रही हूँ, और मुझे लगता है बहुत ज़्यादा टेस्टी। तो चलो जी करते हैं शाम की तैयारियाँ, बस टाइम तो भी बहुत है, पर चलो जल्दी मैं बना के रख देती हूँ आजकल खाना। तो गाइस खाना मैंने बना दिया है अभी, तो खुदा क्यों मैं बाहर टहलने थोड़ा सा, क्योंकि अभी भाई थोड़ी देर पहले इतनी बारिश हुई, अभी थोड़ा मौसम साफ़ है, तो खाना तो मेरा बन ही गया है, अभी चपातियाँ मुझे बनानी है शाम को, जैसे थोड़ा सा अंधेरा होना स्टार्ट हो जाता है वैसे मैं भी फिर रोटियाँ बनाना स्टार्ट करती हूँ। तब तक मैं हूँ फ्री, और
मेरा भी ब्लॉग ही कंप्लीट नहीं हुआ था तो सोचा ब्लॉग को ही कंप्लीट कर लेती हूँ। और टाइम हुआ है अभी 4:30 का और अभी एडिटिंग वगैरह कुछ नहीं हुई है, सभी मेरा ब्लॉग ही कंप्लीट नहीं हुआ भाई। शाम को कब डलेगा ये समझ से ही परे है। तो चलो ब्लॉग एडिटिंग तो अमन कर लेंगे, उसकी मुझे टेंशन है नहीं, लेकिन मुझे सिर्फ इतनी टेंशन है कि ब्लॉग पूरा हो जाए। तो यहाँ पे है तरुण बैठे हुए और मम्मी और शिवाय वहाँ पे बैठे हुए। मम्मी लगी है फोन पे बात करने किसी से, और किसका फोन आया है ये मुझे पता नहीं, शायद बुआ जी का फोन होगा, आइडिया है मेरा एक बाकी मुझे नहीं पता। तो गाइस आजकल ना थोड़ी ठंड सी होना स्टार्ट हो गई है और अब मुझे कोटी पहनना स्टार्ट कर देना चाहिए मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि शाम को थोड़ी सी ठंड है और हमने तो हीटर जलाना भी स्टार्ट कर ही दिया है जैसे मैंने वीडियो में पीछे दिखाया ही था आपको, क्योंकि ठंडी हो गई गाइस, क्यों आजकल आ रही है बारिश डेली, तो अगर शाम के टाइम बारिश होना तो ठंड तो लगती है फिर, क्योंकि आग अभी हमने जलानी स्टार्ट की नहीं है और चूल्हा भी हमारा ऐसा है ना उसमें धुआं लगता है, उसमें आग जलाना ऐसा होता है कि भाई मुश्किल हो जाती है कम से कम 15-20 मिनट तक, जब से अच्छे से वो तप नहीं जाता चूल्हा तब तक धुआं ही निकलता रहता है। और मम्मी और शिवा इतना शोर करे ना मुझे यहाँ पे बोलने नहीं दे रहे हैं, तो चूल्हे की हमारी थोड़ी सी दिक्कत है तो इसलिए हम हीटर ही यूज़ करते हैं। और तो क्योंकि मेरा जो चैलेंज था वो पूरा हो गया है 30 डेज का चैलेंज, तो कंटिन्यू वीडियो में मेरी ये आखिरी वीडियो थी, इसके बाद आपको मेरे ब्लॉग वैसे ही डेली देखने को मिलेंगे जैसे पहले मिलते थे, एक या दो दिन का गैप। तो जो भी मैंने ये चैलेंज लिया था जो मैंने लिया था, तो मैंने सच बोलूँ तो मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई मैं पूरा नहीं कर पाऊँगी, तो फाइनली मेरा चैलेंज आज पूरा हो गया है 30 डेज का, तो मैं हूँ आज बहुत ज़्यादा खुश क्योंकि मैंने अच्छे से 30 डेज में अपने ब्लॉग्स बनाए और उनको पूरा किया, अपना चैलेंज पूरा किया। तो साथ ही साथ आज की वीडियो को भी यहीं पे एंड करती हूँ, होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा गाइस, और जो भी चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे चैनल को। मिलती हूँ मैं आपको कल नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।